लेकर दैत्यों को मारते हैं। इसके उत्तर में ये बात कही गई कि भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। जैसे कोई चीता हो तो उसमें सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ती है और कोयला हो तो कम पड़ती है, क्योंकि वो ग्रहण करके विस्तार करता है और ये ग्रहण करके सूर्य की रोशनी का विस्तार नहीं करता, अपनी काली माँ का विस्तार करता है। तो इसमें शीशे का और कोयले का फर्क है, भगवान का फर्क नहीं है। और प्रहलाद का दृष्टांत दिया गया कि दैत्य वंश में उत्पन्न होने पर भी भगवान प्रहलाद की कैसी रक्षा करते हैं। जहाँ सत्वगुण है वहाँ ज्ञान होता है और ज्ञान में भगवान की जो झुलमिल ज्योति है वो प्रकट होती है, और जहाँ रजोगुण है वहाँ जैसे मैला पीता हो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता है, और जहाँ बिल्कुल मैला हो वहाँ तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की जो प्रकृति है उनके भेद से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ ईश्वर का पक्ष ज्यादा है और यहाँ ईश्वर का पक्ष कम है। असल में ईश्वर में पक्षपात नहीं होता है, ईश्वर की ओर मुंह होने में ही अंतर होता है। तो जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रहलाद ने सत्य बता दिया, आप देखते हैं कि अपना अंतःकरण आपको बदलना हो तो भगवान की भक्ति कीजिए, ये उचित स्कंध है, वासना स्कंध है। तो हिरण्य कशिपु तपस्या तो करता है परंतु अभिमान उसमें बहुत है और वो चाहता है ईश्वर जोर हो और चाहता है शत्रुओं से बदला लेना। तो उसके अंतकरण में रजोगुण की वृत्ति ज्यादा है और जड़ पदार्थों से मोह है। इसका फल ये होता है कि वो ईश्वर को नहीं देख पाता है, और प्रहलाद के मन में न जड़ वस्तुओं का मोह है न किसी के साथ राग है, और यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु और पुरोहित और दैत्य किसी के साथ भी प्रहलाद का द्वेष नहीं है और भगवान परम की दृष्टि है। इसका फल ये हुआ कि प्राथमिक अंतकरण में भगवान निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये पूर्ण होता है। और विवेक की पद्धति नारद जी के सत्संग से कैसे प्रहलाद को भगवत तत्व का ज्ञान हुआ और उनके सत्संग से दूसरों की रुचि उसमें कैसे हुई, ये सब बात बताई। तो भगवत भक्ति की महिमा, विवेक की महिमा, तत्वानुभूति, भगवत अनुग्रह सारे ही प्रहलाद के प्रसंग में आया। आज ये बात प्रारंभ हुई है, इसका प्रभाव हम देखते हैं प्रहलाद की स्थिति में। प्रहलाद की स्थिति में क्या प्रभाव है कि पहले ही प्रहलाद कहते हैं कि महाराज मैं तो बड़ी उग्र जाति का
दैत्य हूँ, तो ब्रह्मा और शिव की स्थिति से आप प्रसन्न नहीं हुए और मेरी स्थिति से आप प्रसन्न हो जाएंगे? परंतु ठीक है, आपको धन की तो जरूरत नहीं है। धन और अभिजन, अभिजन का अर्थ होता है मतदाता है ना, जिसके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, चारों ओर ढेर के लोग खड़े हैं, वाह 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 वाह, तो भगवान को वाह वाही की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी के रूप का उन्हें भोग नहीं करना है, समस्या से कोई लाभ नहीं उठाना है, तो भगवान इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होते। एक ब्राह्मण में 12 गुण है परंतु भक्ति न हो तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। परंतु एक पशु में जैसे गजेंद्र है, उसमें कोई गुण न हो किंतु भक्ति हो तो भगवान उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारा एक चांडाल के अंतकरण में भी भगवान की भक्ति हो तो उससे वो प्रसन्न हो जाए। प्रहलाद के हृदय में इतनी करुणा है, इतनी दया है, भगवान ने कहा प्रहलाद चलो हम तुमको अपने साथ ही वैकुंठ ले चलें। बोले महाराज मैं अकेले वैकुंठ में जाना चाहता। विमुक्ष एकः अहम् एकः न विमुक्षे, मैं अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। बोले तब तक महाराज सारी सृष्टि को आप मुक्त कर दो ना, ले चलो आपके वैकुंठ में कोई जगह की कमी है, कोई सब चीज वहाँ की दुख हो गई है, कोई रूम लोगों से रहने के लिए नहीं है, क्या बात है, क्यों नहीं ले चलते? भगवान ने कहा कि हम सबको ले चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो चलना चाहे उसको ले चले कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले चले? प्रहलाद ने कहा कि अच्छा भला कौन वहाँ नहीं चलना चाहेगा, बोले ले आओ। तो अब महाराज जहाँ जाए वो कहे कि जरा बेटा बड़ा हो जाए तो हमारे एक बेटा हो जाए, थोड़ा नाती पोता हो जाए, अब महाराज बेटा कमाने लग जाए, कोई तैयार ना हो, कोई प्राणी नहीं मिला जो पैदल जाने के लिए, तो ये सूअर के पास है। तो सूअर से कहा उन्होंने कि बैकुंठ चलो, वहाँ बहुत आ रहा है, वहाँ तो बस सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम की सृष्टि है, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, द्वेष आ रहा है, भगवान का अनुग्रह ही अनुग्रह, सब सुख है। उस सूअर ने कहा कि ठीक है हम अपने घरवाली को भी ले चलेंगे, और ले चलो, क्या हम अपने बच्चों को भी ले चलेंगे, क्या उनको भी ले चलो, तुम जिसको चाहे उसको ले चलो, खुला है दरवाजा। उसने कहा अच्छी बात है, तो जाकर उसने अपनी पत्नी से सुगरी जी से कहा कि श्रीमती जी चलो हम सब लोग बैठो चले, वहाँ बड़ा सुख है। तो उन्होंने कहा कि तुमने सब वहाँ का पता लगा लिया है, सब आराम तो है ना? बोले आराम तो सब है वहाँ। बोले अच्छा ये बताओ वहाँ हम लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त जैसा हम लोग यहाँ भोजन करते हैं वैसा वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब उसने कहा रही ये तो मैंने पूछा नहीं, तो बस यही पुरुष जाती है, सब बंदोबस्त देख लिया और खाने पीने का है तो यही तो कुछ ले चलना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए, पूछो। अब प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि बाबा जो तुम लोग खाते हो वो चीज तो यहाँ होती ही नहीं है। तो सूर्य ने कहा प्रणाम करते हैं हम नहीं जाएंगे बैठक में, हमको तो हमारी यही की चीज चाहिए, बोला मना कर दिया हो। तो भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा अब तुम सबको बैकुंठ ले चलने का स्वप्न छोड़ दो, ये आग्रह छोड़ दो कि तुम्हारे साथ सब बैकुंठ जाएंगे, तो ये तो समाज सुधार समाज सेवा का जो खंड है वो दूसरा है, और ये आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है महाराज वो दूसरा है। प्रहलाद ने बताया कि ये संपूर्ण सृष्टि आपका ही स्वरूप है, इसमें जो कुछ सत असत कर्म विकर्म जो कुछ है तो सब प्रभु आपका ही स्वरूप है। अंत में उन्होंने कहा कि एक तो जब तक मैं जीऊं आपका नमस्कार बना रहे और आपकी स्तुति होती रहे, और आपके लिए कर्म हो और आपकी सेवा पूजा हो, और आपके चरणारविंद की स्मृति बनी रहे, बस ये सदंग जो भक्ति है, कोई नवधा भक्ति बोलते हैं, कोई शोभा भक्ति बोलते हैं, तो ये जो आपकी शोभा भक्ति है, नवधा भक्ति का तो प्रहलाद ने उपदेश किया था दैत्य बालकों को, और भगवान से उन्होंने शोभा भक्ति का प्रार्थना की, शोभा माने 6 प्रकार की,
छह प्रकार की भक्ति हमको मिले, हमारे जीवन में बनी रहे, कभी मैं मेरा न हो, अभिमान न हो, और आपकी प्रसन्नता मुंह से निकले, आपके लिए कर्म हो, आपके लिए पूजा हो, आपके चरणारविंद की स्मृति हो, बस ये सदंगा भक्ति हमको बनी रहे और हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा प्रहलाद से कि वर मांग लो। तो प्रहलाद बोले कि हमको बच्चा समझ करके आप लुभाते हैं क्या? हमारे जिससे ब्याह करना चाहते हो वही आके पूछते है कि तुम जिससे पसंद करो, यहाँ देखो हजारों आदमी बैठे हैं, जिससे पसंद करो उसी से हम तुम्हारा ब्याह करा दें। तो जिससे ब्याह करना है वो क्या सोचेगा? तो जिससे हम ब्याह करना चाहते हैं वो दलाल बन रहा है। तो ये दलाली अच्छी नहीं है भाई, इसमें दलाल की जरूरत नहीं है, हमारे तुम्हारे बीच में दलाल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान से प्रहलाद ने कहा कि हमको तुम प्रलोभन मत दो, हम दुनिया की चीजों की ओर से जन्म जन्म से फंसे ही रहे हैं, उनसे डर करके ऊब करके तो हम तुम्हारे चरणों की शरण में आए हैं। क्या तुम लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि देखो हमारे भक्त कैसा होते हैं, हमारे भक्त कैसे होते हैं? भक्त लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेश्वरोदय। मैंने किसी ने कहा कि भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं, बोले भगवान को क्या मालूम नहीं था कि परीक्षा लेंगे, अरे तो हृदय में बैठे हैं दिल की सब बात, जो हमको नहीं मालूम है वो भी भगवान को मालूम है, तो परीक्षा काहे को लेंगे? बोले परीक्षा नहीं देते हैं, वो ऐसी बात पूछते हैं या करते हैं कि जिससे दुनिया को मालूम पड़े कि हमारे भक्त कैसे होते हैं। तो जब ये वो देखेंगे तो उनके मन में भी भक्ति की प्रेरणा होती है। भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो चाहिए सो लो। प्रहलाद ने कहा महाराज सेवा के बदले में हमको कुछ चाहिए, हम ऐसे हैं नारायण, न तो तुम हमसे सेवा की अभिपंक्ति रखने वाले, हमसे कुछ चाहने वाले स्वामी हो, और न तो मैं तुमसे कुछ चाहने वाला सेवक हूँ। हमारा स्वामी और सेवक का सहज सरल प्रेम है, उसमें कामना के लिए कोई अवकाश नहीं है। मैं तुम्हारा अकाम भक्त हूँ और तुम अभिपंक्तिपूर्ण स्वामी हो, हम कोई सिपाही और राजा नहीं है। अच्छा आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गृणे वरम। मैं आपसे ये वर मांगता हूँ कि हमारे मन में कभी किसी कामना का उदय ही न हो, हमारे मन में मांगने की इच्छा ही उदय न हो। महाराज ये इच्छा बराती ऐसी है, बराती माने दुष्ट बदमाश जैसे होती है ना, ये जो हर चीज से जैसे कोई ऐसी कुलता विचारणी स्त्री हो जो हर मनुष्य से चिपकती फिरती हो, हर आदमी से चिपकती फिरती हो, उसके लिए बराती शब्द का प्रयोग संभव। सभी को अपना घर समझ करके उसके साथ चिपक जाए तब उसका नाम बराती है नारायण। तो ये इच्छा ऐसी है कि ये जगह जगह चिपकती फिरती है। तो भक्ति का काम ही ये है कि वो सारी इच्छाओं को मिटा करके हमारे जीवन को भगवान के साथ जोड़ दे। भगवान ने कहा कि सचमुच हमारे जो असली भक्त होते हैं वो दूसरी कोई इच्छा नहीं करते हैं। सो तुमने जो वरदान को मना कर दिया ये तो हमारी और प्रसन्नता का हेतु है। देखो तुम्हें मेरी आराधना करनी है तो उसके लिए अलग से मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर्वेषु भूतेषु अभिजन्यम ईता, ये जितने शरीर धारी हैं सबके भीतर जन्यात्मा भगवान बैठे हुए हैं। अगर तुम होम करना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, तो ये जो प्राणी है ना इनको भोजन दो, इनको वस्त्र दो, इनको दवा दो, इनको ज्ञान दो, इनको आराम दो। भगवान कहते हैं यही हमारी सेवा है, यही हमारी पूजा है। सर्वेषु भूतेषु अभिजज्ञमेकाम जजस्व योगेन च कर्महीनवान, बोले कि देखो संसार में थोड़े जब तक रहोगे तब तक पुण्य का फल मिलेगा, सुख आवेगा। योगेन पुण्यम कुशलेन पापम, और पाप का फल भी आवेगा दुख भी आवेगा।
तो जब पाप का फल दुख आवे तो असंग होगा, उसको भोगने से इनकार कर दो, हम असंग हैं, हम भोगता नहीं। और जब पुण्य का फल सुख आवे तो उसको अकेले मत भोगो, बांट दो। पुण्य का जो फल सुख है उसको तो बांट लो, और जो पाप का फल दुख है उसको भोगने से इनकार कर दो। तो इनकार कैसे किया जाता है, तो अहम दुखी इत्याकारक अभिमान अपने हृदय में न आने दो। ये उसको इनकार करने का, असंग होने का, साक्षी होने का, दृष्टा होने का यही अर्थ है कि मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं शोकवान हूँ, तो ये अभिमान अपने भीतर बटोर के मत रहे। नारायण, ये शरीर जो है कहिए तो जब है प्रारंभ पूरा होगा तब अपने आप समाप्त ही हो जाएगा। तो भगवान तो महाराज चले गए और प्रहलाद हो गए दैत्यों के अधिपति। इसी प्रकार शंकर जी की जब किसी उन्होंने रक्षा की, ये त्रिपुरासुर जो है, ये जो त्रिपुरासुर माने, कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि देह ही मैं हूँ, ये त्रिपुरासुर में से एक असुर है वो, और मैं करता हूँ ये दूसरा असुर है, और मैं समाधिस्थ करता हूँ शांत हूँ ये तीसरा असुर है। ये असुर के तीन रूप हैं। सात्विक असुर जो है वो मैं अकर्ता शांत समाधिस्थ तटस्थ कुटस्थ हूँ, तो ये एक असुर है सात्विक, और मैं कर्ता भोक्ता अंतःकरणी हूँ ये द्वितीय असुर है राजसिक, और नारायण मैं ये मूक देह हूँ दूरा काला स्वस्थ ये तीसरा असुर है तमोगुणी। इन्हीं तीनों में अभिमान होने के कारण मनुष्य जो है वो ईश्वर से विमुख होकर के दूसरों को सताता है। तो शंकर जी महाराज इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए जब उद्यत हुए तब विष्णु की सहायता उन्होंने ली। विष्णु की सहायता ली तो क्या आनंद आया हो, ये त्रिपुर में जो अमृत है उसको जा करके पहले गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की है, माने अंतःकरण में ये जो भावना है कि इन तीनों स्थितियों में सुख है या तीनों में से किसी में सुख है किसी में रस है, वो अमृत कुंड इसमें बना हुआ था। अंतःकरण की किसी स्थिति में सुख है, ये जो उसमें रस का कुआं था उसको गाय बनकर के उन्होंने पी लिया, और महाराज को चलाने वाले बाण और बाण के नोक पर बैठे विष्णु भगवान, और ये जो त्रिपुर है लक्ष्य वेद हो गई, ये त्रिपुर खत्म हो गया। ये त्रिपुरा सुनते त्रिपुर बनकर तो हमारे विद्वानों ने बड़े बड़े काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जरा सी कथा ये जितनी आपको सुनाई उतनी है, परंतु इस पर तो बड़े बड़े विद्वानों ने काव्य लिखे हैं, गद्य काव्य पद्य काव्य संपूर्ण। अब आगे जब युधिष्ठिर जी का ऐसा समाधान किया कि इसमें तत्व रज तम जो है ये तीनों गुण ही गुण है, भगवान गुणों से परे हैं और गुणों के अनुसार लोग उनसे लाभ उठाते हैं या हानि उठाते हैं, इसमें भगवान का कोई भेद पक्षपात नहीं है। अब तो युधिष्ठिर जी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि महाराज आपने सनातन धर्म का उपदेश कीजिए कि धर्म क्या है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यदि कोई मनुष्य शरीर में रह करके धर्म का पालन नहीं करेगा तो मनुष्य में और पशु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहेगा। भले कोई जबानी जमा खर्च कर दे कि हम धर्म नहीं मानते हैं या धर्म के कानून नहीं मानते हैं, लेकिन उसके मन में भी कोई न कोई धर्म रहता है और उसके मन में भी कोई न कोई मर्यादा रहती है। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हम तो ये सब खान पान की मर्यादा नहीं मानते, जो हमारी मौज आती है सब खाते हैं। तो महात्मा बोले जैसा जो हम दें तो तुम खा सकते हो, हमारा खा सकते हैं। तो उन्होंने एक दो चीज का नाम बताया कि हम ये देते हैं खाएंगे, बोले ना ना महाराज ये बंद खाएंगे। बोले जाकर हम तो तुमने मना किया ना कि ये नहीं खाएंगे,
तो पहले से ही गिनती कर लो कि हम ये खाएंगे और ये नहीं खाएंगे, गिनती कर लो और अपने मन में उसका ध्यान रखो। यही तो अधर्म का त्याग और धर्म का पालन हो गया। जब एक नियम बन गया, एक मर्यादा बन गई, तो कोई मनुष्य रह करके धर्म मर्यादा का पालन न करे ऐसा नहीं हो सकता। उसको पशु हो जाना पड़ेगा यदि, और पशुओं में भी मर्यादा होती है। आपको मालूम होगा पशुओं में भी ऋतु होती है। वो ऋतु किन दिनों में उनके बच्चा हो, किन दिनों में वो घूमे, किन दिनों में वो कहाँ जाए। और जैसे आप लोग कश्मीर जाते हैं, सूर्जर में जाते हैं, तो उसे पक्षी भी जाते हैं, मछलियाँ भी जाते हैं। मछलियाँ जो है ये हजारों मील की यात्रा समुद्र में करके अमुक ऋतु में अमुक घेरे जाती है, चिड़िया अमुक घेरे जाती है, उनके भी ऋतु है। अंडे देने की ऋतु है, बच्चे देने की ऋतु है, उनमें भी कौन पशु कौन पक्षी क्या खाए। आप गाय के बारे में जानते होंगे, गाय मनुष्य का दिष्ठा खा जाती है, लेकिन गाय अपना मूत और अपना गोबर जहाँ पड़ा हो वो चीज नहीं खाती। तो क्या हुआ, आखिर पशु की भी तो एक मर्यादा हुई ना। आप अपने जीवन को क्या मर्यादाहीन बनाना चाहते हैं। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है अपने संग्रह को, हम क्या अपने साथ लें और क्या न लें, क्या भोगे क्या न भोगे, क्या करें क्या न करें, क्या बोले क्या न बोले, और क्या सोचे और क्या न सोचे। इसमें जो अपने को कायदे के अंदर रखना है उसका नाम होता है धर्म। सत्य भाषाएं सारे विश्व में धर्म है सत्य, क्योंकि असत्य बोलने में जितना तनाव है उतनी छुट्टी दिमाग को सत्य बोलने में है। सत्य बोलने में प्रिय का भी ध्यान रखना चाहिए। झूठ अब झूठ प्रिय नहीं बोलना चाहिए और सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ये नियम है, एक धर्म सनातन मनु जी ने लिखा है, सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम से नानृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक धर्म सनातन, इसके टीकाकार कहते हैं सनातन धर्म का अर्थ है काल निरपेक्षा। काल निरपेक्षा माने ये सार्वकालिक धर्म है, सृष्टि के आदि में भी मध्य में भी अंत में भी। सनातन धर्म का अर्थ यही है कि जो धर्म सर्वकाल में स्वीकार करने योग्य होता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। जो समय की दृष्टि से बदलता नहीं है, कौन ऐसा है आदमी जो कहे कि हमारा धर्म, अरे भाई नहाने का धर्म यहाँ दूसरा होता है, बद्रीनाथ में दूसरा होता है, सूरत में दूसरा होता है, नहाने का धर्म दूसरा है, खाने का धर्म भी अभी तक भेद से दूसरा दूसरा होता है। लेकिन नारायण सत्य है, दया है, तपस्या है, पवित्रता है, प्रतीक्षा है, आत्मनिरीक्षण है, शांति है, दम है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सर्वता, संतोष, समदर्शिता, सेवा, बदमाशी से अलग रहना, ये मौन, ये सब जो है। और दुनियादार लोग जिस काम में लगे हुए महाराज, हम यहाँ से मजा लेंगे, हम यहाँ से मजा लेंगे, ये मजा ढूंढते ढूंढते खुद दो मजा हो जाते हैं, दूसरे में से मजा चूसने जाते हैं। महाराज एक दिन एक जने आम में से मजा चूसने लगे, आम में तो बहुत मजा आता है ना, चूसते चूसते इतना मजा चूसा आम में से उन्होंने कि दो दर्जन तो उन्होंने आम खा लिया था और दो दर्जन बार उनको शौचालय में जाना पड़ा। तो ये महाराज जो लोग मजा चूसते फिरते हैं चीजों से, उनको प्रकृति भी चूस लेती है, उनको ये प्रकृति चूसे बिना छोड़ती नहीं है। तो नारायण ये भी धर्म की अपने जीवन में प्रिंसल लक्षणवान निर्णामयम करो धर्म सर्वेशां समुदायता, जिनको देखना हो 30 लक्षण यहाँ धर्म के बताए हुए हैं। सर्वात्मा जीन तुष्यति, अब धर्म का प्रयोजन क्या, कैसे सर्वात्मा भगवान संतुष्ट होते हैं। इसके बाद विभाग पूर्वक धर्म का निरूपण है। कुछ भेद पाठी होने चाहिए,
जो हमारे धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को, ईश्वर को, जीव को, जगत को, हमारे दार्शनिक तत्व का धारण करें, कुछ ऐसे होने चाहिए, कुछ ऐसे होना चाहिए जो बाहर और भीतर राष्ट्र की रक्षा करें। प्रज्ञा प्रधान और प्राण प्रधान हो, प्राण प्रधान, और एक ऐसे होने चाहिए जो सारे शरीर में बल, शक्ति, रक्त का संचार करें, वो पोषण प्रधान होने चाहिए, और एक महाराज क्रिया होनी चाहिए, शरीर में एक क्रिया प्रधान होने चाहिए। नारायण तो क्रिया की प्रधानता से, पोषण की प्रधानता से, बल की प्रधानता से और ज्ञान की प्रधानता से शरीर के ही चार विभाग कर दे। ज्ञान की प्रधानता से सूर्योभाग, पांचों ज्ञान इंद्रियों का मुख्य प्रकाश सूर्योभाग में है, इसलिए ज्ञान प्रधान है। और क्रिया शक्ति का, शक्ति का मुख्य प्रकाश जो है वो हाथों में है। पोषण का मुख्य प्रकाश जो है ये मध्य भाग में है, जहाँ से भोजन का रस बना बना करके शरीर में भेजा जाता है। और सेवा का, क्रिया का मुख्य रूप जो है नारायण ये निम्न भाग में है। ऐसे ये जो पुरुष का शरीर है इसको चार विभाग में बांट करके ये समाज होता है महाराज। और इसमें सारी सृष्टि को चलाने के लिए जो पुरुष प्रकृति का विभाग है वो पुण्य प्रकृति स्त्री पुरुष के रूप में संचालित होता है। इनका अलग अलग धर्म बताया। फिर अवस्था की दृष्टि से वैसा आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें धर्म का, शक्ति का संचय करे। गृहस्थाश्रम तो उसमें लोक परलोक बनाने के लिए कर्म करे। नारायण वानप्रस्थाश्रम उसमें संगम का अभ्यास पूरा करे। और संन्यासाश्रम का उसमें त्याग करे। समग्र समाज की दृष्टि से चार चार विभाग करते। ये चार चार विभाग में मूल में क्या है, तो ब्राह्मण और सन्यासी में तुरीय है, और क्षत्रिय और वानप्रस्थ में प्राज्ञ है, वैश्य और गृहस्थ में तैजस है, शूद्र और ब्रह्मचारी में विश्व है। विश्व, विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये जो चतुर्धा आत्मक प्रतिपत्ति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और अवस्था निरपेक्ष, इसी को चार वर्ण और चार आश्रम के रूप में बांट दिया गया है। इसी प्रसंग में महाराज दत्तात्रेय का उपाख्यान भी है, स्त्रियों का धर्म भी है और दत्तात्रेय का उपाख्यान भी है। वो त्याग का, संन्यास का उदाहरण है। नष्ट है महाराज उनको नारायण, कहीं भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है। वो कहते हैं कि धनी लोग जो अपने को बहुत खुशी मानते हैं, बोले कि मैंने इतने धन देखे हैं कि उनके नाम, उनके नाम मान नहीं गिना सकता। उम्र की तो जरा बड़ी है ना। दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के अवतार होने के कारण कहते हैं पश्यामी धनी नाम क्लेशम, धनियों को कितना क्लेश होता है ये हम देखते रहते हैं। वो भी हैं, इंद्रियां बस में नहीं है, भय के कारण उनको निद्रा नहीं आती है, सबके प्रति उनको शंका होती है कि ये हमारा हमसे कुछ लेने के लिए, चंदा वंदा करने के लिए, कुछ छीनने के लिए आया होगा। राजा से, चोर से, शत्रु से, अपने सगे संबंधियों से, उन्हें पशु पक्षी से भी डर होता है। वो पशु पक्षी से कभी कभी चूहा भी सत्यानाश कर देता है। बड़े बड़े ड्राफ्ट और नोट और चेक खा जाते हैं चूहे। एक सेठ जी तो नारायण में जा रहे थे, तो 10,000 के नोट थे नारायण, तो कभी तरह पर रख के जहाँ पानी से जरा दिक्कत कर होता है ना, तो प्याल पर पानी पीने लगे। इतने में कोई गधा आया और उनकी फूट भी खुली रख गया। आप क्या हो उसमें तो था नोट, तो इनको पशु से भी डर है, पक्षी से भी डर है। हाँ, अपनी पत्नी पर भी शंका करते हैं कि हमारे जीव में से कुछ न कुछ, जिसके मन में शंका ही बनी हुई। महाराज एक देश के बारे में मैंने सुना, रात को वो बिजली जला जला के देख लेता था कि हमारे बजन वाले चरण पर दो कलम से श्रीमती जी चयन कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। और सेठ जी को आने में कभी देर हो जाती तो श्रीमती जी 10 जगह फोन करती कि कहाँ चले गए हैं पता लगा हुआ। तो जब इतनी शंका का जीवन, जिसका संशय आत्मा जीवन जिसका व्यतीत हो रहा है, उसके जीवन में सुख कहाँ है, मांगने वालों से दुख,
समय से दुख अपने हाथ से कहीं गलत जगह न दे बैठे, इसका दुख शोक मोह भय क्रोध राग क्लीबता परिश्रम और इसके लिए मरने तक की तैयारी करके ये लोग भोग भोगना करना भोग भोगना चाहते हैं। इसीलिए बाबा हमने संतोष प्राप्त कर लिया है। दत्तात्रेय जी ने बताया कि अगर भोजन मिल जाता है महाराज तब तो खूब आनंद से भर पेट खाते हैं, देखने वाला सिखाता रहे। एक बार हम लोग 15-20 साधु हुए एक बड़े सेठ के घर में पहुंच गए, बुलाया था उन्होंने। ऐसे में हमारे साथ जो बड़े महात्मा थे हम लोगों में बड़े विनोदी स्वभाव के थे, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी थे नारायण, और बड़े विनोदी स्वभाव के हैं महाराज। तो उन्होंने साधुओं को इशारा किया कि देखो आज बड़े सेठ के घर में भोजन है, तो यहाँ तुम लोग पूरी साग खाओगे तो लोग कहेंगे कैसे साधुएं पूरी साग खाते हैं, तो आज तो खीरे ही खीर खानी चाहिए। अब महाराज सबको इशारा कर दिया और खीर पर बैठे महाराज, एक एक साधु खीर बनी थी खूब है ना, एक एक साधु एक एक किलो खीर खा गया। अब तो सेठ जी महाराज देख देख के आज पर चकित है, बोले हम तो 2 घंटे तक मालिश करवाते हैं जब भूल सकते, तब हमें बिना घी का बिना टुकड़ा दो फूल का पत्ता है और ये एक किलो खीर का बातें हैं। तो हे भगवान तो जिस दिन मिले महाराज उस दिन तो चट के खा लेते हैं, और जिस दिन न मिले उस दिन कहते हैं कि बस हमारी एकादशी तो आ गई है, तो हम 15 दिन की इंतजार करें कि 15 दिन बाद आएगी। आ गई एकादशी का व्रत करने का जो आनंद है वही न उदकते कभी क्वचित क्वचित अल्पम क्वचित भूरी भूंगे मन स्वाद होता स्वाद हुआ, कभी स्वादु भोजन मिलता है। और कभी महाराज एक सेठ के घर में गए तो वहाँ बाजरे की रोटी बना बना के अलग रखी हुई, मैंने पूछा सेठ जी ये काहे के लिए रखी है, और हमारे लिए तो बहुत बढ़िया भोजन बनता था तो ये काहे के लिए बनी है। तब महाराज ये साधु लोग जो आते हैं उनको भिक्षा देने के लिए है, उनके दरवाजे पर साधु लोग भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा भला ये बाजरे की सूखी रोटी बिल्कुल ये काहे साधुओं को ऐसी रोटी क्यों देते हो, अच्छी रोटी क्यों नहीं देते, गर्मा गर्म दो गेहूँ की दो। बोले साधुओं की आदत बिगड़ जाएगी महाराज। मैंने कहा कि साधुओं की आदत ठीक रखने की ठेका तुमको ईश्वर की बात होगा भाई, और जो अपनी आदत खुद ठीक नहीं करेगा उसकी आदत तुम क्या ठीक करोगे। अच्छा एक ऐसा भी है आपको सुनाते हैं, एक बार हम एक जयदयाल जी कह गए तो उनके घर में रोज बल भविष्य होता है संध्यावंदन। उन्होंने बताया था कि 50 वर्ष के भीतर एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस पर मैंने संध्यावंदन दोनों समय न किया होता, और घर में रोज गरीब ईश्वर होता था, बड़ा पवित्र भोजन बनता। सो महाराज उस दिन गरीब ईश्वर हुआ नहीं और हमारे ट्रेन पर जाने का समय हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप बैठिए हम आपको पहले भोजन करा देते हैं, गरीब ईश्वर पीछे होता है। मैंने कहा भला ये बड़ी बड़ी शोधियों से पहले ही हमको भोजन कराते हो ये क्या बात है। बोले महाराज मनुस्मृति में लिखा है कि अतिथि को खिलाना तो बड़ी बड़ी शोधियों के अंतर्गत है ना, तो आपका भोजन तो हमारा बड़ी बड़ी शोधियों ही होगा, भगवान को भोग लगाने से पहले बड़ी बड़ी शोधियों को करने से पहले हम आपको भोजन कराते हैं। उनको धर्मशास्त्र का ज्ञान था, धर्मशास्त्र में ऐसी बात आई हुई है कि यदि अतिथि टिकने वाला न हो रुकने वाला न हो तो बलि बलिओ से पहले भगवान को भोग लगाने से पहले भी उसको भोजन करा देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि जरा तैयार जाओ। महाराज नारायण तो कभी कम कभी अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कभी खराब चीरन बलकल में वजह छौनम, कभी रेशमी कपड़ा पहनते हैं, कभी मृगचर्म पहनते हैं, कभी चीर पहनते हैं, कभी बलकल पहनते हैं, कभी दिन में खाते हैं, कभी रात में खाते हैं, कभी नाल में सोते हैं, कभी धूल में सोते हैं, कभी प्रासाद पर्यंत कभी पौगा कभी पलंग पर सोते हैं, महल में सोते हैं, और महाराज कभी स्नान करते हैं, चंदन लगाते हैं, अंगराग लगाते हैं, शरीर में माला पहनते हैं और अलंकार आभूषण धारण करते हैं, और कभी नंगे होकर के धरती में लौटते हैं। हम जानते हैं कि ये सब का सब
बिल्कुल एक चीज है, एक चीज ना हम निंदे न सवनी स्वभाव विषम अंजनम। दुनिया में सबका स्वभाव अलग अलग है, किसी की निंदा किसी की स्तुति करने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा में ये सब के सब एक है। विकल्पम जुहुयाचित्तौतान्नस्यर्थविभ्रमे मनोवै मनोवैकारिके भूत्वा तन्मायायां जुहूत्यनु आत्मानुभूतौतां मायां जुहुयात् सत्यब्रह्मणिः। अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में संपूर्ण प्रपंच का हवन करना है। जब तक प्रपंच का हवन अपने स्वरूप में नहीं हो जाएगा, तब तक व्यवहार बताने राग द्वेष शिथिल नहीं होंगे। तब ये मालूम पड़ेगा ये कोई दूसरा है, हम दूसरे हैं। और जब ये होगा एक ही ज्ञान से सर्व का विज्ञान हो गया, माने एक ही सब है, जो दृष्टा है कोई दृश्य है, जो दृश्य है कोई दृष्टा है, दृष्टा और दृश्य दोनों परमार्थ रूप से एक है, केवल व्यावहारिक रूप से दो है। तो उसके लिए व्यवहार और परमार्थ का भेद जब ही नहीं मिटा तो क्या भेद मिटा, इस बात को महात्मा लोग जानते हैं महाराज। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी ने अपना अनुभव सुनाया। अब तो युधिष्ठिर जी ललचाए गए महाराज, ललचाए गए, बोले कि हे नारद जी, ऐसे ही अनुभव हमको भी हो, इसकी कोई चुप्पी किसी कोई चुप्पी सुना। बोले तो देखो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए घर का सब काम पूरा करना चाहिए। हाँ, उसमें तोड़ कटर करोगे तो घर वाले तुमको सुख से नहीं रहने देंगे, वो तो एक विक्षेप ही पैदा हो जाएगा। घर का सब काम बिल्कुल ठीक ठीक करना, परंतु उसको वासुदेव अर्पण करके करना कि ये घर भगवान का है, भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रद्धा करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए और धीरे धीरे संसार की आसक्ति छोड़नी चाहिए। जितना प्रयोजन हो उतने संबंध जोड़ना चाहिए और विरक्त होकर के भीतर से विरक्त और बाहर से रक्त, अपने मनुष्य पने को लौकिक कर देना चाहिए। जैसे जब रंगमंच पर जाते हैं तो जिस पात्र का नाटक करना होता है उसका करते हैं, और जब मंच पर से उतरते हैं तब उसको छोड़ देते हैं, हर समय रंगमंच पर ही नहीं रहते हैं। तो जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं और अपने आप में बिल्कुल असंग रहते हैं नारायण। और फिर ये भी बात है कि जब आप घर में सुखी रहना चाहते हैं तो जाति बिरादरी के लोग, माता पिता बेटे भाई सुहृद जो कहते हैं और जो चाहते हैं, निर्मम होकर के उनका अनुमोदन करो। अपनी जिद रखने की कोशिश मत करो कि हमारे मन की रहेगी, हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी बात मानी जाएगी। जो अपनी बात पकड़ के रखता है और जो अपनी इच्छा का पालन सबसे करवाना चाहता है, घर गृहस्थी में वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तो भगवान की दी हुई जो दुनिया है उसका उपभोग तो करना चाहिए, जितना पेट में चला गया उतना तो अपना शरीर के भीतर, और जो शरीर के बाहर है वो अपना बिल्कुल नहीं है। तो जावत प्रियत जठरम तावत स्वस्वम हृदयिनाम। एक बार मैं इस श्लोक की कथा महाराज कहीं कर रहा था, चाहे रतनगढ़ होगा चाहे चूरू होगा, बोला तो हमारे एक मित्र हैं बंबई के ही हैं, वो वहाँ सुन रहे थे। तो बोले कि महाराज ये कहीं कम्युनिस्टों के आने के बाद भागवत में किसी ने जोर तो नहीं दिया है? पर नहीं भाई, ईसा की 12वीं शताब्दी की हस्तलिखित जो भागवत की पुस्तक मिलती है काशी में है, बरा 12वीं शताब्दी का तो 20वीं शताब्दी है ना, अब से 800 वर्ष पहले की हस्तलिखित पुस्तक भागवत की मिलती है। उस समय न स्वामी दयानंद वाले भूत गए थे, और मैंने ये बिल्कुल निश्चित है कि वो 12वीं शताब्दी की पुस्तक है नारायण, उसमें भी ये श्लोक है। ये कहते हैं कि जितने से मनुष्य का पेट भर जाए उतना तो तुम्हारे हक का है। अधिकं जो भी मन्नेत स्वस्तेनो दंडमर्हति, जो
वो उससे ज्यादा पर अभिमान करता है कि ये मेरा और इसका मालिक मैं, वो है तेन। तेन माने होता है संस्कृत भाषा में तो, और दंड मरहती, वो ईश्वर की वस्तु को मेरी कहने के कारण और उसका अभिमानी बनने के कारण दंड का पात्र होता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की वस्तु के तुम संरक्षक हो, तुम सेवक हो, तुम ट्रस्टी हो, तुम उसके मालिक नहीं हो। ईश्वर सबका है, ईश्वर की चीज सबकी है और वो सबके काम में आने के लिए है। तुम्हारे घर में तुम्हारी मिल्कियत होकर सड़ने के लिए, सड़ने के लिए नहीं है। इसके बाद ये बात बताई गई कि ये संसार के जो हरिण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, केंचुए, चिड़िया, मक्खी, ये सब जो है ये ऐसे ही है महाराज संसार में जैसे अपना शरीर है, जैसे अपने शरीर संबंधी हैं, ये सब के सब हैं नारायण। इसलिए किसी को बहुत तकलीफ दे करके, तकलीफ पहुंचा करके और अपनी जीविका चलाना, ये महाराज दुख की बात यही है। इसलिए आस्वाधान्ते वायुभ्यः कामान् ताम् विभजेत् यथा। इसलिए चांडाल परजन को और जो अंतेवसाई है उनको भी भरी भांति खिला खिला करके सब अपने को खाना चाहिए। एक दूसरी बात और बढ़िया है, वो महाराज जी ऐसा लगता है कि जैसे आपको इसलिए बात पुरानी है, बिल्कुल पुरानी है, वैदिक है, औपनिषद है, पौराणिक है, लेकिन आपने कभी भागवत सुनते पढ़ते समय इस पर ध्यान दिया हो कि न दिया हो, तो बात जरा नई सी है इसलिए आपका ध्यान खींच लेते हैं। ये कहते हैं कि आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। जह्याद जदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम। कई लोग तो अपनी पत्नी के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं और कई लोग अपने पिता और अपने गुरु को भी अपनी पत्नी के लिए मार डालते हैं। इतना प्रेम अपनी पत्नी से होता है। लेकिन संसार में महाराज महापुरुष वो होता है जो अपनी पत्नी पर भी अपना हक न रखे कि ये मेरी है। ये क्या बात हुई? बोले कि परमात्मा पर हक रखो कि परमात्मा मेरा है, अजितो जीता है, परमात्मा मेरा है। तो बात कहना क्या चाहते हैं? बात ये कहना चाहते हैं कि अब ये काम आत्मन उदाराम नृणाम स्वस्व ग्रहो जता है। अपनी पत्नी को भी जैसे स्वयं लोगों की सेवा करे, वैसे अपनी पत्नी के द्वारा भी लोगों की सेवा करवावे, उसको भी लोगों की भलाई में, लोगों की सेवा में, आतिथ्य में, आतिथ्य में नियुक्त करे। अब भले पत्नी एकमात्र पत्नी है और अपनी है, परंतु पति भी अतिथि की सेवा करे, दुखी की सेवा करे, और पत्नी भी अतिथि की और पति की अपनी अपने काम में ले आओ। बिल्कुल स्वार्थी, बिल्कुल भोगी मत बन जाओ। भोजन करते समय अपने बाप की भी याद करो, अपने ऋषियों की भी याद करो, देवताओं की भी याद करो और अपनी भलाई की भी याद करो और तब किसी प्रकार का भोग करो। बताया कि इस तरह से नारायण जो गृहस्थ आश्रम को व्यतीत करता है उसका गृहस्थ आश्रम साधनात्मा, साधनात्मक हो जाता है। बोले थी देखो पूर्ण देश का तो सेवन करना चाहिए, लेकिन पूर्ण देश धर्म है कि जहाँ सत्शास्त्र की प्राप्ति हो। तो गीता में तो ऐसे कहा गया है ना कि देशे काले को शास्त्रे को तब दानम शास्त्रम स्मृतम। देश में देना, काल में देना, वस्तु में देना, देशे काले तो शास्त्रे को। देश उत्तम हो, समय उत्तम हो और पात्र उत्तम हो, सब दान करना चाहिए। यहाँ बताते हैं कि देखो जी पात्र असल में शौच है, तो जिसकी चीज है उसको लौटाना है, देना लेना कुछ नहीं है। ये सारी चीज है ईश्वर की और ईश्वर को लौटा देना इसी का नाम दान है। जहाँ तुम्हारी ईश्वर बुद्धि होती है, ये गरीब के रूप में ईश्वर है, ये विद्वान के रूप में ईश्वर है, कहिए महात्मा के रूप में ईश्वर है,
जहाँ तुम्हारे मन में भी आता है कि ये ईश्वर की वस्तु हम ईश्वर को दे रहे हैं, बस उसी का नाम तत्काल है, तत्देश है और उसी का नाम तत्पात्र है। जहाँ हरिदेव वही तो कहा जन्मयम वही चराचरम, पशु पक्षी भी ईश्वर के स्वरूप है, वृक्ष को पानी देते हो वो उसमें भी ईश्वर की सेवा है, और पशु पक्षी को खिलाते हो उसमें भी ईश्वर की सेवा है। क्योंकि युधिष्ठिर के यज्ञ में इतने बड़े बड़े दूत थे और पूजा हुई कृष्ण की, और कृष्ण है सर्वात्मा, इसलिए सर्वात्मा की पूजा जो है नारायण यही सर्वोत्तम ईश्वर की पूजा है। अब एक बात और आपके सामने खींचता हूँ, ऐसी साधना की बात नारायण बोले कि त्रेता आदि युगों में त्रेता या आदि त्रेता युग, त्रेता का जो आदि है सत्ययुग, तो सत्ययुग त्रेता द्वापर, तो नारायण सत्ययुग में मुख्य रूप से सत्ययुग और त्रेता क्या होता था कि मनुष्य में ही भगवान की पूजा होती थी। त्रेता विषु हरे वर्षा क्रिया यही कवि कृता, त्रेता त्रेता आदर जैसा तेसु काले को भगवान की मूर्ति में जो पूजा है वो कब स्थापित की गई, तो बोलते हैं कि पहले मनुष्य में ही भगवान को देख करके उसी को चंदन देना, उसी को माल्य देना, उसी को भोजन देना, उसी की सेवा करना, ये जो मनुष्य के शरीर में भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन जब मनुष्यों में देखा गया कि आपस में राजद द्वेष बहुत करते हैं, एक दूसरे की निंदा स्तुति बहुत करते हैं, तब विद्वानों ने कहा कि भाई आप एक देने वाला और एक स्वीकार करने वाला ऐसी पूजा नहीं करेगी, अब तो अपनी वस्तु तुम दे दो उधर से मैं मेरा आवे के ना आवे, इसलिए मूर्ति में पूजा करो क्योंकि वहाँ राजद्वेष नहीं होगा। चतुर्चायाम हरिम देते संप्रद्धाय सप्रज्ञया उपास्तापी नार्थदा पुरुषद्वेषाम। अब एक बात यहाँ ऐसी बढ़िया कही हुई है, वो कहते हैं कि एक आदमी मनुष्य से तो द्वेष करे और मूर्ति की पूजा करे तो उसको क्या होगा, बोले जो मनुष्य से द्वेष करेगा और मूर्ति की पूजा करेगा उसकी मूर्ति पूजा सफल नहीं होगी। ये बिल्कुल साफ साफ पूर्व में ये बात आई हुई है, चतुर्चायाम हरिम तेजित संश्रद्धाय सपर्जया उपासते उपास्तापी नार्थदा पुरुष अदृशाम। जो मनुष्य से द्वेष करते हैं मूर्ति पूजा उनके लिए फलती नहीं है। इसी तरह आगे बात बताई गई है, श्राद्ध तो करना परंतु श्रद्धा से करना, कम से कम ब्राह्मण श्राद्ध में कम से कम दैव कार्य में खिलाना, बहुत भीड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक वर्णन किया कि जो दैवे पितृ कार्य स्त्री, देवता संबंधी कार्य हो तो दो ब्राह्मण और पितर संबंधी कार्य हो तो तीन ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए, नहीं तो दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्धे कुर्यात न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि गली में बैठा दिया, गंदी तो गली है और गंदी गंदी चीजें बना दी और चाहे जिस किसी को न रहे। अब आगे ये बात वर्णन की हुई है कि सबसे बड़ा नैतादृश करो धर्मो नृणाम सद्धर्म मिश्रता, जो लोग सद्धर्म चाहते हैं उनके लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि वे अपने जीवन में किसी को दंड न दें, न्यासो दंडस्य। ये गृहस्थ के लिए बताई जा रही बात, अभी तक मैं जो बात बताता हूँ, अरे जब से गृहस्थ का नाम लिया तब से सारी की सारी बात गृहस्थ के लिए है, और संतुष्ट होकर के अपना कर्म करना चाहिए, दूसरे के धर्म पालन में बाधा नहीं डालना, और दूसरे के लिए कोई धर्म बताया जाता हो तो उसको सच्चा धर्म समझ करके खुद नहीं करने लग जाना। अधिकारी भेद से धर्म अलग अलग होता है, धर्माभास नहीं करना, धर्म का उपमान नहीं बनाना, धर्म पालन में छल नहीं करना। इस प्रकार महाराज फिर एक एक दोष के निवारण के लिए मुस्ते बताए हुए हैं, क्या है, बोले कि देखो भाई काम तो भोग के तृप्त हो जाता है और क्रोध दुश्मन को मार के तृप्त हो जाता है,
लेकिन लोभ की तृप्ति जो है वो कभी नहीं होती है। ये जिसके मन में लोभ असंतोष आ गया उसको दुनिया में कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसलिए असंकल्प से काम पर विजय प्राप्त करो, काम पर विजय प्राप्त करके क्रोध को छोड़ो और अर्थानर्थ के अवेक्षण से लोभ को छोड़ो, तत्वावर्तन से भय को छोड़ो, आणवीक्षिकी से शोकलोह को निवृत्त करो और महापुरुष के संग से दम्भ को निवृत्त करो और जब कोई सिद्धि आवे तो मौन धारण करके उस पर विजय प्राप्त करो। बताओगे बताओगे तो वो सिद्धि तुम्हारे लिए विघ्न बन जाएगी। इस तरह से महाराज एक एक दोष पर एक एक उपाय बताया। और गृहस्थ को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, उसको कभी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। नारायण ये जो कुछ ज्ञान देय वचन वाक्य जो कुछ तमस ज्योति जो कुछ सृष्टि में दिखाई पड़ रही है ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है। ये न पंचभूत से पैदा हुआ है और न परमाणु से और न प्रकृति से, ये न किसी का आरंभ है न विकार है न परिणाम है, ये तो साक्षात परमात्मा ही नाना रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ये हमारे लिए इतने आनंद की बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ दिख रहा है जो कुछ अनुभव में आ रहा है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। नारद जी ने इस प्रकार युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश किया। महाराज ये सातवां स्कंध पूरा होता है। अब आठवें स्कंध में कल बताऊंगा उसमें निगुरे वाले में और गुरु वाले में और स्वयं प्रकाश में क्या क्या अंतर है। निगुरा जो है पूजा कर रहा था भगवान की, हो राजा इंद्रसेन, और आए अगस्त जी महाराज आए तो उसके खड़ा नहीं हुआ। उसने सोचा कि मूर्ति वाले भगवान डरे हैं और ये जो महात्मा आया है तो छोटा है, बैठा ही रह गया। तो क्या अभिमान के फल स्वरूप हाथी हो जाए बेटा, हाथी हो जाए। ये निगुरा था है। और मनु जी स्वयं प्रकाश ज्ञान वाले थे, ये उन्हें विशेषता है जो आपको कल सुनाएंगे।